तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है पैकिंग की होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिरबिलिंग जा रहा हूँ, काफ़ी ट्रैक भी करना हुआ, कैंपिंग भी करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो उस चीज़ की पैकिंग कर रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, तो इसलिए जो पैकिंग करूँ ना बहुत जल्दी करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि रैंडमली प्लान बना मेरा और सारी चीज़ें इतनी हॉच पॉच हो गई है बहुत। अभी कुछ चीज़ें मेरी रह भी रही हैं, एक बार आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। ये मैं लेके जा रहा हूँ राइडिंग पैंट, और ये वाले लेकर नहीं जा रहा, हर बार मैं लेकर जाता हूँ। इस बार इसको नहीं लेकर जा रहा, इस बार इसको लेकर जाऊँगा। ये मैंने नई राइडिंग पैंट खरीदी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, तो इसको इस बार कैरी कर रहा हूँ मैं। एक ही राइडिंग पैंट होगी, और ये इसमें से ये भी चार जैकेट है, इसमें से मुझे तीन सेलेक्ट करनी है, तो जो भी मुझे अच्छी लगेगी मैं तीन सेलेक्ट कर लूँगा। और ये कुछ टी शर्ट है, यहाँ पे पाँच छः टी शर्ट है, क्योंकि ये जो मेरी ट्रिप है वो 8-10 दिन की है, तो मुझे टी शर्ट अच्छी खासी लगेंगी। और ये दो शर्ट रख रहा हूँ, और ये कुछ सॉक्स हैं और कुछ गर्म सॉक्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ वगैरह का सीन भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्नो भी वहाँ पे मिलेगी मुझे काफ़ी। और ये मफलर है, एक मफलर कैरी कर रहा हूँ, और एक कैप कैरी कर रहा हूँ ये, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये वार्मर ले रहा हूँ, ये पूरा सेट है मेरा ऊपर और नीचे का, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी काम नहीं चलेगा वहाँ पे। और एक टॉवल ले रहा हूँ, और ये दो पैंट रखी है मैंने जींस की, और दो लोअर्स रखे मैंने रात में पहनने के लिए या कभी कभी राइडिंग करने के लिए। और एक कैप कैरी कर रहा हूँ साथ में, और एक मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं, और वहाँ पे गर्म वाले भी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे, तो उस टाइम मुझे ये काम आएंगे, तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा। और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ बंजी रोप्स रखी अपना सारा सामान बांधने के लिए, ये बहुत ज़्यादा काम देगी मुझे। और एक मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया, क्योंकि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं मेरे, क्योंकि होटल में इतने पावर पॉइंट्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करा है। साथ में एक बड़ा वाला ट्राईपॉड कैरी करा है सिनेमेटिक शॉट्स लेने के लिए या टाइम लैप्स वगैरह निकालने के लिए। और एक छोटा वाला ट्राईपॉड कैरी कर रहा हूँ मैं, और साथ में इधर एक लेंस कैरी कर रहा हूँ, और ये मेरा गोप्रो का, ये तो जैसा आपको पता ही है, ये गोप्रो हो गया मेरा, ये गोप्रो की स्टिक हो गई जिसमें गोप्रो माउंट होता है। एक्स्ट्रा फ़ोन कैरी कर रहा हूँ मैं, एक फ़ोन इससे वीडियो बना रहा हूँ, और एक फ़ोन एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। साथ में एक पावर बैंक है मेरा 20,000 mAh का, और ये एक पाउच कैरी कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना जितने भी कैश मनी होगी मैं इसमें रखूँगा अपने साथ। और ये वॉलेट है, इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स कैरी करूँगा साथ में। और एक एक्स्ट्रा चाबी कैरी कर रहा हूँ मैं, और ये बॉक्सेस के अंदर मेरी हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, सारा स्टोरेज डेटा मेरा इसी में रहेगा। और ये छोटे मोटे माउंट वगैरह हैं, जैसे कि मेरा ये हो गया माइक वगैरह, ये माइक के माउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कैरी कर रहा हूँ। और ये सारी केबल्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सबकी केबल्स इसमें है मेरी। और ये मेरे एयरपॉड्स हैं, ये मेरी वॉच है, ये सब मुझे चार्ज कर चुका हूँ मैं, सारे फुल चार्ज कर लिए मैंने। और ये बैटरी चार्जर है, ये मेरा गिम्बल हो गया शॉर्ट्स निकालने के लिए, ये सारा कुछ इस तरीके से सामान है। और अगर इधर देखो तो कैंपिंग भी करूँगा, जैसे कि आपको पता ही है, तो कैंपिंग का सामान सारा मैगी हो गई, यहाँ पे आलू टिक्की हो गई, ये कुछ रास्ते के लिए चॉकलेट्स वगैरह हो गई, और ये कैचअप हो गया, ये ब्योरीज हो गई, ये बिस्किट, एंड ये कुछ टैबलेट यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ, और ये सूप के पैकेट भी कुछ कैरी कर रहा हूँ। और ये राइडिंग करते वक्त काफ़ी नींद भी आ जाती है कई बार, तो इसलिए ये भी कैरी कर रहा हूँ, खाऊंगा तो चिंगम तो ठीक रहेगा। और ये कुछ यहाँ पे कोल्ड्स की है, कोल्ड की है, बुखार की है, वॉमिटिंग की है, सारी टैबलेट्स वगैरह जो बेसिक्स ही है। साथ में एक सेवलॉन भी कैरी कर रहा हूँ, रास्ते के लिए भी इलेक्ट्रो पाउडर भी ले लिया मैंने, जब मन करेगा पी लूँगा। और सबसे ज़रूरी ये चीज़, ये जो पेपर सोप भी ले लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ों की, पेपर सोप ले लिया। और ये कुछ मेरे डिओज, कॉलगेट एंड बॉडी लोशन वगैरह, ये सारी चीज़ रख ली है यहाँ पे। और एक टेप भी ले ली मैंने, इमरजेंसी में कभी काम आ सकती है मेरे। तो ये जितना भी सामान देख रहे हो आप, सारा ये जाना है इस बैग के अंदर। ये 72 लीटर का बैग है जो मैंने करोल बाग से खरीदा था, जैसा कि आपको दिखाया मैंने, तो काफ़ी अच्छा बैग है ये। और इधर है मेरी राइडिंग जैकेट, और इधर है मेरे शूज़, राइडिंग शूज़, और मैं एक्स्ट्रा शूज़ कैरी कर रहा हूँ मैं। तो ये सारा भी पैक करना मैं सोच, अब ये जो जितना भी खाने का सामान है मैं इसको डालूंगा एक अलग बैग में, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मेरा वो डालूंगा मैं इस बैग में, और जितने भी क्लोथ्स वगैरह मेरे वो डालूंगा मैं इस बैग में। तो टोटल जो मेरे पास तीन बैग होने वाले हैं, तो टोटल जो बैग है मेरे पास तीन होने वाले हैं। और ये राइडिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है, 8-10 दिन लगेंगे मुझे इस राइड पे, स्नो भी मिलेगी और ट्रैक भी करूंगा, कैंपिंग भी करूंगा, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। और जब आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम मैं निकल चुका हूँगा, तो मे भी हो सकता है कि आधे रास्ता मैंने कवर भी कर लिया हो, क्योंकि अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया, तो ऑफिस आके जल्दी से वीडियो बना दी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं शॉपिंग करने का, क्योंकि रैंडमली प्लान बनाता है मेरे जाने का। और ये रैंडमली प्लान इसलिए बनाए क्योंकि मेरा एक उसूल है, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है मैं कहीं बाहर निकल जाता हूँ। जब आपको थोड़ा डिस्टर्ब लगो ना माइंड से, आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आए, तो कहीं भी किसी भी राइड पर निकल जाओ या किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको सुकून मिले, एक बार जाके देखना, काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए मैंने ये राइड प्लान की है, क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट था कुछ दिनों से, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकल जाए, थोड़ा माइंड को फ्रेश किया जाए, उसके बाद फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ बाहर इन सब चीज़ों से दूर, ताकि थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाऊँ। Is this what giving up feels like? I don't know, tell me have I lost my mind, nowhere to go, so far.
तो फाइनली 2 घंटे के बाद मेरी पैकिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे जो वीडियो मिलेगी आपको सीधा मिलेगी राइटिंग मोड में।